नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इजविच का Wi-Fi PTZ कैमरे के बारे में। जी हाँ, इजविच ने नए कैमरे को लॉन्च किया है जिसका सीरीज है C8PF और इसके बारे में बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो कि सुनने को मिल रही हैं और इसे हाल ही में एक बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया है 2020 में। जी हाँ, इजविच के इस कैमरे की जो सबसे ज़्यादा खास बात है इसकी डिज़ाइन, और इस डिज़ाइन के कारण जो है इजविच के इस मॉडल को C8PF को बेस्ट डिज़ाइन का अवार्ड मिला है। जी हाँ, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन प्रमोशन यानी कि JDP के द्वारा यह अवार्ड मिला है, गुड डिज़ाइन अवार्ड इन 2020 का सबसे बेहतरीन डिज़ाइन का अवार्ड मिला है इजविच के C8PF। अब ये जो है इसमें किस तरह से अवार्ड यहाँ दिए जाते हैं, लगभग 5000 दुनिया भर के 5000 सिलेक्टेड डिज़ाइन में जो है किसी एक डिज़ाइन को यह अवार्ड मिलता है। और इस बार 2019 में C6N को यह अवार्ड C6CN को यह अवार्ड मिला था और 2020 में C8PF को यह अवार्ड मिला है, तो यह अपने आप में एक बेहतरीन अचीवमेंट है इजविच की ओर से। इस कैमरे की क्या खासियत थी, आखिर इसे क्यों यह अवार्ड दिया गया? सबसे पहला तो इसकी डिज़ाइन, क्योंकि इस तरह का PTZ कैमरा आपने अभी तक नहीं देखी होगी कहीं पर भी और यह आपको देखने को मिलने वाला है इस महीने के लास्ट में ही। और इसकी जो खास बातें हैं, यह ऑटो जूम कर पाता है, जो सबसे बेहतरीन बातें हैं इसकी, यह ऑटो जूम कर पाता है, ऑटो जूम एंड स्मार्ट ट्रैकिंग। अब ऑटो जूम खासकर ये जो है खुद से जज कर पाता है, ऐसा नहीं कि इसमें प्रीसेट वगैरह आप पहले से सेट करके रखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, स्मार्ट इवेंट के आधार पर यह खुद जज करता है कि इसे कहाँ पर देखना है कहाँ पर नहीं देखना है। अगर कोई मूवमेंट होती है आपके उस एरिए पे जहाँ पर यह PTZ कैमरा लगा हुआ है, तो वो अपने आप उस एरिया को फोकस करता है। इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं, जो लेंस है, लेंस इसका दो लेंस है, इसमें डुअल लेंस का ये कैमरा है, 2.8mm का एक लेंस है और दूसरा लेंस जो है वो 12mm का। यह क्यों है? क्योंकि अगर नज़दीक की किसी चीज़ को देखनी है तो वहाँ पर यह 2.8mm के हिसाब से वर्क करता है, और इसके बाद अगर लॉन्ग डिस्टेंस में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में किसी चीज़ को क्लियर पिक्चर लेना है, तो वहाँ पर 12mm का लेंस काम करता है। इस कारण से यह कैमरा जो है देखने में गुड लुकिंग भी होता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं लगे हैं, ज़्यादा पार्ट्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं हुए हैं, सिर्फ AI टेक्नोलॉजी के हिसाब से इजविच का C8PF कैमरा बेहतरीन काम कर पा रहा है। और इसके साथ साथ लाइट वेट डिज़ाइन है, जो कि अपने आप में एक खास बात है, हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यहाँ पर एक एवरेज दिखाया गया कि यह आपको 10,000 से नीचे के आसपास के प्राइस रेंज में ही उपलब्ध हो जाएगा, जो कि एक बेहतरीन अचीवमेंट होगी इजविच के माध्यम से, क्योंकि लोगों को ऐसे कैमरे की रिक्वायरमेंट है, ऐसे कैमरे की दरकार है, ऐसे कैमरे की ज़रूरत है जो कि आउटडोर में PTZ का भी काम करे और सस्ते प्राइस में भी आए, जो कि इजविच ने ऐसा मौका दे दिया। डुअल लेंस, ऑटो ट्रैकिंग, स्मार्ट जूम एंड जूम आउट का सिस्टम है इसमें, और 2.8mm से 12mm तक का जो लेंस साइज है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन क्वालिटी को बताता है और यह आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में ये अभी लॉन्च हुआ है, चूँकि इस जो अवार्ड जो फंक्शन था ये आपका अक्टूबर में ये प्रोग्राम वगैरह हुए और इसे डिज़ाइन बेस्ट डिज़ाइन का अवार्ड मिला, और ये नवंबर एंड तक में जो है ये सारी चीज़ें जो है खुलकर सामने आ रही है, और यहां माना जा रहा है कि दिसंबर के एंड तक में इंडिया में यह लॉन्च हो जाएगा। अगर किसी कारण से लॉन्च नहीं हो पाता है तो यह आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी इंडिया में, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडेबल कैमरा है। और इस कैमरे की जो खासियत है, इस कैमरे की जो डिमांड है, वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कारण से इस कैमरे की जो इंतज़ार है वो हमें भी काफ़ी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि यह अपडेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।